हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सफोला फिटिफाई हाई प्रोटीन स्लिम मील शेक। ओके, नॉट अ मिल्क शेक। सो गाइस, ये इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ उसका फ्लेवर जो था वो था स्विस चॉकलेट फ्लेवर। ओके, तो रिसेंटली मैंने सोचा, हम लोगों ने उसके बाद दो फ्लेवर्स और हम लोगों ने मंगवाए थे, जो कि है अल्फांजो मैंगो फ्लेवर एंड दूसरा जो है वो है पिस्ताशियो एलमंड। ओके, तो एक पिस्ता एलमंड वाला था और एक मैंगो का फ्लेवर हम लोगों ने नया मंगवाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ उनका भी रिव्यू शेयर किया जाए, ये जो दूसरे फ्लेवर्स हैं उनका कंपेरिजन किया जाए इन तीनों में कि अब कौन सा अच्छा फ्लेवर है। बिकॉज मैंने जब ये इसके बारे में जब शेयर किया था चॉकलेट वाले में, स्विस चॉकलेट का, तो मुझे कई लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि कौन सा फ्लेवर इसमें और अच्छा वाला है, दूसरे और कौन कौन से फ्लेवर्स हैं। तो जब मैंने कोई भी दूसरे फ्लेवर ट्राई नहीं किए थे, दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ उनके जो भी रिव्यू था वो शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने दो और फ्लेवर्स मंगवाए हैं, जो कि ये हैं पिस्ता एलमंड वाला एंड अल्फांजो मैंगो वाला। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रहे कि कौन सा फ्लेवर अच्छा है। एंड इसमें थोड़े बहुत इसमें चेंजेस हैं, डिफरेंस है, तो वो भी मतलब 19-20 से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। एंड हाँ, मैं इसमें थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी उस वीडियो के नीचे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उनके उन क्वेश्चन के आंसर्स में आप लोगों के साथ कुछ भी थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस हैं, बाकी तो सब सेम थे। तो जो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ उनके आंसर्स अभी मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, मैं फुल डिटेल फिर से दोबारा शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज मैं एक इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर चेक कर सकते हो कि कौन सा इसमें क्या क्या है। मैंने मतलब उसमें पूरा डिटेल में शेयर किया है, तो मैं दोबारा वही बोल कर आप लोगों को बता कर बोर नहीं करूंगी। डिटेल में वीडियो देखना है तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है एंड फ्लेवर्स में कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा है। सो गाइज, आप लोगों को मैं फ्लेवर्स तो बता चुकी हूँ, तीन फ्लेवर्स मेरे पास अभी है रिसेंट में। ओके, एंड इसके और भी तीन चार फ्लेवर्स अभी बचे हैं, हम लोग ट्राई करना चाहते थे, लेकिन लास्ट वाला जो फ्लेवर हम लोगों ने ट्राई किया उसके बाद कुछ नया ट्राई करने की इच्छा ही नहीं हुई, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके और भी जो फ्लेवर्स हैं उसमें बचे हुए जो हैं, उसमें एक आई थिंक कॉफ़ी है, एक कुकीज़ वाला एक फ्लेवर है एंड और केसर है, और भी एक कोई है, तो तीन चार फ्लेवर्स और बचे हैं। तो देखते हैं आगे, अगर हम लोग और भी कोई फ्लेवर्स बाय करते हैं तो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं उसका रिव्यू भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्विस चॉकलेट फ्लेवर की, जो कि चॉकलेट लवर्स हैं उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। ओके, तो ये फ्लेवर हम लोगों को भी बहुत पसंद आया था। देन नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया था मैंगो वाला, अल्फांजो मैंगो। तो ये वाला जो फ्लेवर है ना, ट्रस्ट मी, मैंगो लवर्स को इतना ज़्यादा पसंद आने वाला है कि जो मैंगो नहीं भी खाता होगा ना, वो भी इस फ्लेवर को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। बिकॉज इसे बनाने के बाद है ना, इसमें हल्की सी एक थिकनेस आती है, जो कि हम लोग शेक पीते हैं उसमें हमें जो मिलती है उस टाइप की एक थिकनेस इसमें मिलती है। डेफिनेटली चॉकलेट वाले में भी है, लेकिन उतना थिक नहीं बनता है जितना ये बनता है। तो इसे पीने में एक अलग ही एक मज़ा है, और इसका टेस्ट मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग कहूँगी मैं, बहुत ही प्यारा फ्लेवर है इसका। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली मैंगो को ट्राई कीजिए। देन नेक्स्ट, अगर आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी तो वो है चॉकलेट वाला। ओके, एंड सबसे थर्ड हम लोग बात कर ले जो है पिस्ता एंड एलमंड वाला। ये हमें किसी को भी हमारे यहाँ पसंद नहीं आया, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया। इसमें बाद में मैंने देखा कि कुछ चीज़ें चेंज थी, आई थिंक उसके वजह से ये पसंद नहीं आया होगा। एंड इसे जब हम लोग बनाते हैं मिक्स करने के बाद, इसमें बिल्कुल भी थिकनेस मतलब वो थिक, जब तक हमें कोई भी चीज़ पीते हैं अगर बिल्कुल पानी पानी सा लगे पीने में तो वो मज़ा नहीं आता है। तो कोई भी शेक हो, पीने में अगर थोड़ा सा उसमें एक थिकनेस आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा लगता है पीने में। ओके, तो ये बिल्कुल भी ऐसा लगता है बिल्कुल
पानी सा कुछ पी रहे हो, बिकॉज ये वाला जो फ्लेवर था इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हो नो एडेड शुगर, इसमें शुगर नहीं है। वैसे हम लोगों को क्या है, बचपन से आदत है हर चीज में शुगर शुगर शुगर, तो इसमें इन दोनों में एडेड शुगर है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी है, कंपैरिजन करके आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो इसमें एडेड शुगर बिल्कुल भी जीरो है, दैट्स वाई आई थिंक हमें पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, मतलब टेस्ट समझ ही नहीं आया इसका, कुछ टेस्टलेस टाइप का था। एंड हाँ, डेफिनेटली पिस्ता एंड आलमंड का टेस्ट था उसमें, लेकिन शुगर थोड़ी बहुत अगर होती इसमें तो आई थिंक थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होता। जब भी हम कोई डाइटिंग कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो, उस वक्त अगर हम लोगों से कोई अपना कोई कहे कि टेस्टलेस चीज़ें खा लें, कई लोग कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़, कई लोग नहीं कर पाते हैं टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, तो मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड यही करूँगी कि ये वाला फ्लेवर आप लोग ना लें। ओके, तो ये तो हो गई फ्लेवर की बात। नेक्स्ट हम लोग इसके बैक में जो थोड़ी बहुत न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको कंपेयर कर लें, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज है। तो मैं तीनों को आप लोगों को कंपेयर करके जो मोटी मोटी मतलब मेन मेन चीज़ें वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। ओके, सो गाइस, कैलोरीज की अगर हम लोग बात करें तो मैंगो में जो कैलोरीज है वो है 423, चॉकलेट में जो कैलोरीज जाती है वो 424, एंड पिस्ता वाले में जो जाती है वो है 407। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की, तो इसमें 100 ग्राम में मैंगो वाले में जो प्रोटीन जाता है वो है 40.7, और चॉकलेट वाले में जो जाता है वो है 40.7, सेम है। एंड जो पिस्ता है उसमें जाता है 43.7। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो मैंगो वाले में जो कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं वो है 52.9, एंड चॉकलेट वाले में जो जाता है वो है 54.7, एंड जो पिस्ता है उसमें जाता है इस फ्लेवर में जाता है कार्बोहाइड्रेट 40.5, तो इसमें सबसे कम जाता है पिस्ता फ्लेवर में, एंड जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो एडेड शुगर की अगर हम लोग बात करें तो मैंगो में जो एडेड शुगर है वो है 19.1, ओके, एंड जो चॉकलेट में है वो है 19.9, एंड डेफिनेटली जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पिस्ता में जो है वो है 0% एडेड शुगर, नो मतलब इसमें शुगर है ही नहीं, 0% है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग इसमें टोटल फैट की बात करें मैंगो फ्लेवर में तो वो है 2.8, ओके, एंड जो चॉकलेट फ्लेवर है उसमें है 2.2, एंड पिस्ता में है 4। तो ये हो गई टोटल फैट की बात। सैचुरेटेड फैट की अगर हम लोग बात करें तो वो है मैंगो में 0.99, एंड चॉकलेट में है सैचुरेटेड फैट 1.06, एंड पिस्ता में जो सैचुरेटेड फैट है वो है 1.1। तो ये इनकी एक मतलब जो हम कॉमन सब चीज़ें देखते हैं जैसे प्रोटीन, कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट, जो मोटी मोटी चीज़ें थी मेन मेन चीज़ें, वो मैंने आप लोगों को बता दी है इन लोगों को कंपेयर करके। ओके, एंड जो इसमें 5 प्लांट बेस्ड सुपर फूड का यूज़ किया गया है वो तीनों में है, इनके अदर फ्लेवर्स में भी हैं, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। देन अदर अगर हम लोग बात करें फाइबर की, यहाँ जो लिखा हुआ है फ्रंट में, फाइबर मैंगो वाले में फाइबर जो है वो है 4.2 ग्राम फाइबर मैंगो में, पिस्ता में जो है वो है 2.9 ग्राम फाइबर, एंड जो चॉकलेट में है वो है 4.1 ग्राम फाइबर। ओके, तो इसमें ये भी थोड़ा डिफरेंस है। एंड कैलोरीज की बात करें पर सर्विंग में जो कैलोरीज जाती हैं सॉरी तो जो मैंगो में है वो है 206 कैलोरीज जाती है मैंगो फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में जाती है 206, अगेन सेम है, एंड जो पिस्ता में जाती है वो है 200 कैलोरीज, 6 कैलोरीज का डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ओके, तो ये गाइस मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में मतलब कहा जाए तो मैं डिटेल में ही बता रही हूँ आप लोगों को, इसलिए बता रही हूँ बिकॉज क्या है कि कई लोग वीडियो देखते हैं उन्हें समझ नहीं आता है, और कई लोग अलग अलग फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो मैं आप लोगों को मैंने सोचा कि एक डिफरेंस बता दूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए अच्छा है। डेफिनेटली पिस्ता जो है वो ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के हिसाब से, बट टेस्ट के लिए थोड़ा सा
अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में। अदरवाइज देखा जाए तो इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है, कैलोरीज कम है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम है, देन शुगर नहीं है, तो अच्छा ही होता है शुगर नहीं है तो। बट हाँ, अगर आप लोग थोड़ा टेस्ट भी चाहते हैं और हेल्थ को भी थोड़ा सा अपने वेट को भी कम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों ज़्यादा अच्छे हैं। सो गाइस, ये तो बात हो गई इसके फ्लेवर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को इनमें डिफरेंस बता दिया, दो पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। थर्ड, अब मैं थोड़े बहुत कुछ तीन चार क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी इसमें जो मुझे इस चॉकलेट का जो मैंने वीडियो बनाया था चॉकलेट फ्लेवर वाला, उसके नीचे जो क्वेश्चंस आए थे जो मुझे बार बार पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में कवर किया जाए। तो मैं यहाँ आप लोगों से शेयर करूंगी कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे, उनके आंसर मैं कवर करूंगी। सो सबसे फर्स्ट जो है मुझे पूछा गया था क्वेश्चन, वो है राकेश जी ने पूछा गया है। उन्होंने पूछा है कि जो मिल्क है वो कच्चा लेना है या उबाल कर। तो आपने क्या करना है कि उबला हुआ दूध जो रहता है उसे थोड़ा ठंडा करना है, उसके ऊपर की जो मलाई होती है उसे हटा लें, देन उसमें आप इसे ले सकते हो, कच्चे दूध में नहीं लेना है। इसका थोड़ा सा और टेस्ट आपको एनहांस करना है, थोड़ा और इसे, अब जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो उस इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने दूध को उबाला, मलाई निकाली, देन उसके बाद आप जो दूध है 200 ml आपने लेना है, इसमें जैसे बताया गया है 200 ml में 2 स्कूप्स ऐड करना है पाउडर को। तो वो जो दूध रहता है जब भी आपको लेना है, उसके 1 घंटे पहले दूध को आप फ्रिज में रख दीजिए तो ठंडा हो जाएगा। देन उसके अंदर आप जब भी आपको पीना है ऐड किया आपने पाउडर को, एंड उसके बाद आप ले सकते हो उसे। तो उससे होगा क्या कि जितना ज़्यादा दूध ठंडा रहेगा तो आपको एक वो शेक जो हम लोग मार्केट में पीते हैं उस टाइप की एक फीलिंग आएगी। तो अगर आप लोग बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेते हो वर्सेस अगर आप ठंडा दूध लोगे फ्रिज से निकला हुआ चिल्ड वाला, तो उसमें आपको पीने में ज्यादा मजा आएगा। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है देबा श्रीता, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। उन्होंने पूछा है मैम मैं मिल्क नहीं पी सकती हूँ, किसके साथ मिलाऊं। ओके, तो उनका ये क्वेश्चन है कि मैं मिल्क नहीं ले सकती हूँ तो मैं किस चीज़ के साथ ले सकती हूँ इसे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप वाटर के साथ भी इसे ले सकते हो, बिकॉज इसके अंदर जो है मिल्क पाउडर भी एडेड है। ओके, तो आप जितना हम इसमें मिल्क लेंगे उतना उसकी जगह स्किप करके आप पानी ले सकते हो। ओके, ठंडा पानी उसके अंदर आप ऐड करके भी इसे पी सकती हो। ओके, तो एक बार ट्राई कर लेना, अगर आपको नहीं पसंद आता हो तो आप दूध के साथ ही ले, मैं तो यही कहूंगी, बिकॉज थोड़ा टेस्ट एनहांस हो जाता है उसके साथ। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझे नाम समझ नहीं आ रहा मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ, तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को बताती हूँ। इन्होंने लिखा है कि इसको पीने से एनर्जी मिलती है, तो मैं ये बात कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी ड्रिंक है इसे पीते ही आपको एनर्जी आ जाए, नो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली इसे पीने के बाद आपको बिल्कुल कमजोरी महसूस नहीं होती है। आप अपना कोई भी मील, जैसे आप डिनर या फिर लंच स्किप करके कोई भी एक टाइम आप इसे ले सकते हो। ओके, एंड इसे पीने के बाद आपको बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है अंजलि भास्कर ने पूछा है एक्सरसाइज करना भी जरूरी है क्या, प्लीज बताएं। सो गाइज, कोई भी आप डाइटिंग करते हो, कोई भी मील आप स्किप करते हो या कुछ भी कर लो, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो वो चीज़ काम नहीं करती है। ओके, तो ये भी लेना है साथ में, आपने आपकी जो एक्सरसाइज है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो भी साथ में कंटिन्यू करना है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा है शंपा सरीन, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है ये कितने दिन चलेगा। ये आता है बाय वन गेट वन, ये 1000 या फिर 1100 1200 इसके बीच में इसका रेट चलता है, कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसके साथ बाय वन गेट वन आता है, 2 डिब्बे आपको आराम से 1 मंथ कंप्लीट चल जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। प्राइस के बारे में किसी ने पूछा, तो मैंने प्राइस अभी आप लोगों के साथ मेंशन कर दी है। कृष्णा जी ने पूछा था प्राइस के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एक ने पूछा है कि मैम मेरे पास शेकर नहीं है, तो क्या मैं मिक्सी में इसे मिक्स कर सकता हूँ।
मिक्स कर सकती हूँ। ये पूछा गया है ज्योति अरोरा जी ने। सो ज्योति जी, मैं आप लोगों आपसे यही कहना चाहूंगी कि शेकर की आपको कोई जरूरत नहीं है, मिक्सी में भी इसे ब्लेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो बॉटल आती है, पानी की बॉटल हो या कोई भी इस टाइप की बॉटल हो, उसमें आप इसे डाल लीजिए, कैप लगाइए, जोर जोर से इसे शेक करोगे तो उसमें भी आपका काम बन जाएगा। कोई मिक्सी में भी करने की आपको इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है सुमिता सारकर जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि प्रोटीन शेक के साथ अमूल ताज़ा मिल्क ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल ले सकते हैं। फुल फैट मिल्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्किम्ड मिल्क जो आता है पतला वाला, वही वाला दूध लेना है। फुल फैट लोगे तो ये आपका वेट कम करने के बजाय बढ़ाने लगेगा। ओके, सो ये याद रखना है। और एक आंचल जी ने पूछा है कि हाउ मेनी स्कूप्स फॉर 206 कैलोरीज, तो इसके लिए कितना स्कूप लेना है? दो स्कूप जो इसमें दिया गया है, दो स्कूप पाउडर लेना है और 200 ml इसमें मिल्क ऐड करना है एंड आपका शेक जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो गाइज, यही थे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स। आई थिंक आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी क्वेरीज हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, तो मैं वो आप लोगों के साथ और भी इसके जो भी प्रॉब्लम हो, इसके लिए कोई भी क्वेरीज हो तो मैं आप लोगों से आगे शेयर कर दूंगी। एंड चैनल पर नया आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। एंड आगे भी मेरे साथ बने रहिए, मैं और भी कोई फ्लेवर ट्राई करती हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।